और इसको सारी चीजें को थोरोली इसको इन सर्विसेज को देख सके। सही है। अच्छा अब सीन ये है कि आप हमारी नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं कि EC2 इंस्टेंस। अच्छा अब EC2 एज अ सर्विस है अमेजोन के अंदर, जैसे बहुत सारी सर्विस आ रही है। अच्छा EC2 डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें व्यू होती हैं, जिसके अंदर जो हमने सर्विसेज पे बेसिकली वेब एडमिनिस्ट्रेटर या अमेजोन एडमिनिस्ट्रेटर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर इस पे काम करता है। सही। तो आपको इस इन सर्विसेज के बारे में हम थॉरली पढ़ेंगे, सही, कि ये चीज होती कैसे है। सही है। तो EC2 हमने फ्री टियर, अच्छा इसके बाद जो है अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फ्री टियर वगैरह। सही है। इसके रीजन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं। सही है। तो इसको हम पहले स्टार्ट लेते हैं कि इसके जो है वो रीजन्स, और ये जो हमारे पास ऑप्शन, पहले हम ऑप्शंस को कर लेते हैं, उसके बाद हम सर्वर क्रिएशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, सही ऑप्शंस है। लेते अब ये ऑप्शंस इसके अंदर ये है कि जैसे अब मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, सिर्फ नॉर्मल EC2 डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया। सही है। तो EC2 डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आप ये देखिएगा कि बिल्कुल टॉप पे जो बार आ रही है ब्लैक कलर की, इसके अंदर सही है मेरा अकाउंट टाइटल आ रहा है मेरा ये। अच्छा ये एन वर्जीनिया, एक तो सपोर्ट तो आपने देख लिया, सपोर्ट के ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है कि फॉरम है, जो जो कोई इशू आ रहा है, किसी को टेक्निकल सपोर्ट नहीं दी हुई तो फॉरम पे इसके जा सकता है, अपना क्वेश्चन क्वेरी रेज कर सकता है कि भाई ये। सही है। तो उसके अंदर आप इसको हम पर बाद में आते हैं, हम आते हैं पहले रीजन्स के ऊपर। अच्छा ये जो ऑप्शन आ रहा है ये इसके रीजन बता रहा है अमेजोन, कि अमेजोन किन किन रीजन्स पे अवेलेबल है, जिसके रीजन्स में अवेलेबल होने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ इसके डेटा सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ इसके अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ किन किन रीजन्स के ऊपर ना डाटा सेंटर बन रहा है, और कहाँ कहाँ हम इसके सर्वर्स इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं या स्टोरेज इसकी यूजफुल जो इनकी सर्विसेज ले सकते हैं आप। बेसिकली इन रीजन्स में आप इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं इनकी, जैसे पाकिस्तान पे अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ अमेजोन का, इंडिया में हो चुका है, देखें एशिया एशिया पैसिफिक मुंबई नॉर्थ एप साउथ वन। अच्छा ये जो रीजन है ये इसका अवेलेबिलिटी जोन है। सही है। तो रीजन हमेशा वो होता है जैसे कंट्री के अंदर, अच्छा एक कंट्री के अंदर मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यूएस के अंदर नॉर्थ वर्जीनिया दिया हुआ, ओहायो और कैलिफोर्निया, इस तरीके से मल्टीपल जो है ना रीजन्स दिए हुए हैं। तो मल्टीपल इसका मतलब एक कंट्री के अंदर मल्टीपल इनके डेटा सेंटर्स भी हैं और इनके अवेलेबिलिटी जोन्स भी हैं। मतलब अवेलेबिलिटी जोन्स ये है कि अच्छा ये आपस में अगर जैसे ये इसका रीजन है तो इसके ऊपर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे, यानी यूएस ईस्ट वन है, ईस्ट टू होगा या वेस्ट होगा। सही। तो ये मल्टीपल इसके डेटा सेंटर्स इन्होंने क्रिएट किए हुए जो आपस में बिल्कुल मतलब लो लेटेंसी के ऊपर काम करते हैं, यानी बिल्कुल मिनिमम हमें पता नहीं चलेगा कि बिल्कुल आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, इनका नेटवर्क डिजाइन हुआ हुआ है कि बिल्कुल मतलब आपकी मशीन अगर एक डेटा सेंटर आपका करप्ट हो जाता है या मशीन आपकी, तो इनके कभी डाउन टाइम नहीं होगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली जैसे वीमवेयर का कॉन्सेप्ट है, या अगर हम इसको थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चलाएंगे तो उसके अंदर ये है कि बिल्कुल आपका मशीन आपकी अप रहती है, बेसिकली सिक्योर है, मतलब अप रहेगी, डाउन टाइम नहीं, अगर हार्डवेयर फेलियर भी हुआ इनका एक रीजन के डेटा एक सिक्योर है हमारा। बिल्कुल डाटा सिक्योर कह लें, मशीन सिक्योर कह लें, तो उसके अंदर ये है कि आपका अगर एक अवेलेबिलिटी जोन में कोई इशू भी आता है जिसमें आपकी मशीन बनी हुई है तो वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन इसके साथ रेप्लिका बना हुआ, तो मतलब वो आपकी जो मशीन अप टाइम है ना 100% मैक्सिमम 99.99% तो देते हैं ये लोग। मतलब मतलब पहले आप पहले अगर ये होता था कि मैं एक अलग से अगर सर्वर बिल्कुल बना इसमें रहा अगर हूँ। ये नहीं होता, एक ही अवेलेबिलिटी जोन होता है इनका एक ही रीजन के अंदर, और वो अगर मशीन में जाहिर सी बात है हार्डवेयर फेलियर कहीं भी हो सकता है, डिजास्टर हो जाता है डिजास्टर हो वो। जाता है, तो आपकी मशीन गई, मतलब आपकी डाउन हो गया, हार्डवेयर गया, आपके जितना भी डाटा लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं है, तो उन्होंने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स रखे हुए हैं और जिसके ऊपर वो रेप्लीकेट करते हैं मशीन्स को, हर चीज़ को रेप्लीकेट करते हैं, तो यही इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मतलब हमारे हमने डाटा सेंटर नहीं बनाना, हमें इसकी रेप्लीकेशन नहीं देखनी, हमें इसकी अवेलेबिलिटी नहीं देखनी, हमें हार्डवेयर का इशू नहीं देखना, हमें इसका यूपीएस नहीं देखना, हमें इसका वो नहीं देखना कि मतलब एसी चल रहा है नहीं चल रहा, मतलब हार्डवेयर लेवल के कंसर्न्स और ये सारी चीज़ें हम लोग टेंशन लेस हैं, हमें सिंपल डैशबोर्ड लॉगिन करना है, इंस्टेंस क्रिएट करना है और उसकी सर्विसेज यूज करनी है, और उसकी हमने पेमेंट करनी है मंथ के एंड में, बिलिंग डैशबोर्ड। और अच्छा बिलिंग डैशबोर्ड भी इसको हम देख लेते हैं कि बिलिंग डैशबोर्ड क्या होता है। तो बिलिंग डैशबोर्ड जो है वो आपका ये देखें, जब अकाउंट टाइटल पे क्लिक करते हैं तो बिलिंग डैशबोर्ड आता है, इस बिलिंग डैशबोर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। अब जैसे मैं सर्वर क्रिएट करेंगे तो ये अभी 0-0 नहीं रहेगा, इसलिए कि अभी बिल्कुल अकाउंट ये फ्रेश है। सही। तो इसमें अमाउंट आ रही है आपकी 0-0,
सही है, तो ये पूरी डिटेल डिस्क्राइब करेगा, जैसे कि हम आगे इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे इस बारे में कि क्या चीज़ है। जैसे ही मैं कोई सर्वर क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे ये 0 point something कुछ भी आ जाएगा कि भाई जो चीज़ में सर्विस जिस तरह की यूज़ करूँगा तो उसकी प्राइसिंग आ जाएगी। सही है, तो इस प्राइसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि अमेज़ॉन प्राइसिंग कैसे करता है, ये एक डिटेल इस चीज़ को, अगर अमेज़ॉन आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन किस सर्विस के क्या चार्ज कर रहा है, ताकि आपको एक बिलिंग का आइडिया हो सके। मंथ के एंड में आपको कंपनी को मैंने पूछेगी या ओनर या जो भी है आप मैनेजमेंट आपसे पूछेगी कि भाई ये बिलिंग किस बात की आई है, ये बिलिंग क्यों आ गई, मैंने तो आपको बजट इतना बताया था, आपने इतना बढ़ा, तो आपको एज अमेज़न एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता होना चाहिए कि क्या बजट है और उसमें कौन कौन सी सर्विसेज मैं दे सकता हूँ। आपको बताना है, यानी पूरा डिस्क्राइब करना है कि भाई अगर आपका बजट कम है, $30 मंथली देना है या $50 आपका मंथली है, तो आपको एक सर्वर 2GB का मिलेगा या एक सर्वर 4GB का, मतलब ये कैलकुलेट आप करोगे और फिर आप ये डिस्क्राइब, आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कि भाई ACS की क्या प्राइसिंग है। सही, तो दो टॉपिक्स हमारे हो गए कि इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ हमने करनी है। एक तो अमेज़न कैलकुलेटर के बारे में आप डिटेल पढ़ना है कि किस किस सर्वर्स पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्राइसिंग है। सही है, और फ्री टीयर क्या होता है, अमेज़न फ्री टीयर देता है 750 आवर्स। सही है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अच्छा क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट है अमेज़न का, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको पर्पस ये है कि आप 24/7 आपको सर्वर मशीन ही चाहिए, जैसे अब मैं प्रैक्टिस के लिए या ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ अमेज़न, तो मुझे परमानेंट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा सर्वर क्रिएट करूँगा और जैसी ट्रेनिंग ख़त्म होगी मैं सर्वर को स्टॉप कर दूँगा। सर्वर को आपने स्टॉप कर दिया, उसकी बिलिंग रुक गई। और फ्री टीयर क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये जो है ना, अभी हम इंस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इंस्टेंस की। इंस्टेंस की टाइप्स में क्या होता है कि 1GB का 1 virtual CPU, 1GB RAM है तो क्या कहलाता है। सही है, T2 Micro क्या होता है, T2 Nano क्या होता है, T2 Small क्या होता है, T2 Medium क्या होता है, मतलब ये T-Series क्या होती है, M-Series क्या होती है, C-Series क्या होती है, इन सीरीज के बारे में हमने पढ़ना है। सही है, कि सीरीज क्या होती है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, कि इसलिए कि कोई यूज़र को नहीं पता, ये एज अमेज़न एडमिनिस्ट्रेटर को चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए कि यूज़र आएगा वो बोलेगा मुझे रिक्वायरमेंट आती क्लाइंट की, वो बोलता 4GB RAM का सर्वर बना दी मुझे आप। सही, 4GB RAM हो, सही है, 2 virtual CPU और सही है 100GB HDD का, ये उसने रिक्वायरमेंट बता दी, क्लाइंट ने बता दी, डेवलपर ने बता दी, या कंपनी की रिक्वायरमेंट है आपके पास आई है कि भाई मुझे ये, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके कौन सा सर्वर में AMI। असल में इसके अंदर क्या होता है, इमेजेस बने हुए हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करोगे तो आपसे सिर्फ मेंशन करना है कि मुझे 4GB का चाहिए। आपने कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको इमेज सेलेक्ट करना है कि कौन सा विंडोज़ बना रहे हैं, लिनक्स बना रहे हैं। सही है, आपने AMI सेलेक्ट कर ली, उसके अंदर आपने फिर बता दिया सर्वर का कि मुझे 2GB का चाहिए, उसके ऑप्शन देगा कि T2 बनाना है, T4 बनाना है, T2 Small बनाना है, T2 Micro बनाना है, मतलब जो भी है, मतलब आपने उस हिसाब से सर्वर क्रिएट कर देना। तो जैसे जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, ये सर्वर अभी आगे जब हम क्रिएट करेंगे ना, तो ये हम सर्वर बताएंगे कि सर्वर कैसे क्रिएट है। अभी हम बिलिंग डैशबोर्ड पे, सही है, तो 1 by 1 हम इसको लेके चलते हैं। सही है, अभी हम बिलिंग डैशबोर्ड पे, बिलिंग डैशबोर्ड पे आप आ गए, बिलिंग डैशबोर्ड आपने देख लिया कि बिलिंग कहाँ से देखनी है। सही है, सही है, ये सर्वर पे आप आ गए। अच्छा, सर्वर पे हम यहाँ पे सर्विसेज से EC2 पे आ गए। अच्छा, जैसे अब रिसेंट विजिटेड सर्विसेज यहाँ पे आ रही है, जैसे जो जो आपने सर्विसेज ओपन किए, जैसे कि मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं सर्च करता हूँ बिल्कुल स्लो, यहाँ नहीं मिल रही मुझे, मैं EC2, जैसे EC2 यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि EC2 का ऑप्शन, जैसे मुझे देना है वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, ये सारा बता रहा है कि वर्चुअल सर्वर्स का डैशबोर्ड जो है वो EC2 के अंदर व्यू होगा। तो EC2 के अंदर हम वर्चुअल सर्वर्स पे चलेगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंस्टेंस, वर्चुअल सर्वर, वेब सर्वर, सही है, जो भी है मशीन कह लें आप, तो ये इंस्टेंस कहलाता है अमेज़न की लैंग्वेज में, यानी अमेज़न के टर्म्स में आप इसको इंस्टेंस कहेंगे। अच्छा, ये ऑल्टो फिल्टर पहले ही ऑप्शन नहीं था, सही, फिल्टरिंग का कि आप रनिंग देखना चाहते हैं, स्टॉप देखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन अब आया, तो आपने कंप्लीट अगर कोई फिल्टर नहीं लगाना तो आप इस स्टार्टिंग में कोई भी फिल्टर नहीं लगा। सही है, अच्छा, इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो हम इंस्टेंस को पहले देख लेते हैं, कि उसके बाद इसको डिटेलिंग दोबारा जब हम सर्वर क्रिएट करेंगे, लैब करेंगे इसको, तो हम उसके अंदर डिटेल देखेंगे किस तरीके से, इसलिए कि पहले हम इसको गो थ्रू कर लेंगे। अभी हम सिर्फ देख लें कि सर्वर कैसे क्रिएट होगा,
यानी अगर आप सर्वर इंस्टेंस क्रिएट इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है कि कोई भी इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए कि आपने कोई क्रिएट नहीं किया हुआ। सही है। अच्छा, लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर ये ऑप्शन दे रहा है कि लॉन्च इंस्टेंस करें। लॉन्च इंस्टेंस का मतलब है सर्वर को क्रिएट करना, मतलब सीपीयू बनाना अपना शुरू। बिल्कुल, जो मशीन बना रहे हैं बिल्कुल। फर्स्ट करें अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर वेब सर्वर पर हम बात करेंगे, जब लैब में परफॉर्म करेंगे तो हम एज अ वेब सर्वर बनाना सीखेंगे कि विंडोज का वेब सर्वर और लिनक्स का वेब सर्वर कैसे क्रिएट होता है। और वेब सर्वर सही, अभी हम सिंपली जैसे आप समझ लें एक मशीन बना रहे हैं विंडोज की, चाहे वो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज करना है सही है, और चाहे वो किसी चीज के पर्पज के लिए यूज करना है। अच्छा, ये चीज हमने पहली क्लास में देखी थी कि रीजन वाइज के जिस रीजन अवेलेबल है, जिस रीजन पे मैं क्लिक करूँगा उसी जो सर्वर जिस रीजन में बनाऊंगा उस ही मतलब कंट्री की आईपी हमें मिलेंगे। बिल्कुल, वो आईपी अगर बिल्कुल करें मैं इंडिया में बनाता हूँ तो मुझे इंडिया की आईपी मुझे मिलेगी। बिल्कुल, और आईपी ये जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स आईपी इस्तेमाल करते हैं, वो हैकिंग के लिए भी कर सकते हैं आईपीस। नहीं, वो हैकिंग तो एक दूसरे टर्म्स में आ रहा था ना, हैकिंग में आईपीस वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आईपी लेके, वो तो सिर्फ फिल्टर होते हैं, उनको एक समझ लें एक तरह से एक सिक्योरिटी फायरवॉल जो होती है। फॉर एग्जांपल मेरे इनके क्वेश्चन का मतलब ये भी हो सकता है, आई थिंक फॉर एग्जांपल मुझे एक जगह बैठकर हैकिंग कर ली है, मैंने इस पर सर्वर बनाया अपना और वहां पर मैंने लिनक्स का एक सर्वर ले लिया, वहां पर से मैं बिल्कुल 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 अमेरिका में बैठा हूं, पाकिस्तान में अमेरिका में बैठा के हैकिंग जा रही हो, बिल्कुल पुलिस वाले भाई आईपीस बिल्कुल इसका कोई वो नहीं है कि आप कहाँ बैठे हुए, तो यही क्लाउड का टेक्नोलॉजी है कि भाई आप कहीं भी बैठे हो वर्चुअली, मतलब यही होता है कि आप फिजिकली वहाँ पे मौजूद नहीं है, ना आपका फिजिकल सर्वर वहाँ पे है, ना आप फिजिकल सर्वर पर काम कर रहे हैं, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है, क्लाउड वर्चुअल इन्वायरमेंट है। तो उसके अंदर क्या है कि आप कहीं भी किसी भी रीजन में बैठ के कहीं की भी सर्वर को यूज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी सर्वर, मतलब आप वेब सर्वर, हम जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं वो वेब सर्वर्स, मशीन सही है, फाइल सर्वर्स, इन टर्मिनोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इसलिए आप एज अ वेब एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आप एज अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो हम उस टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी है, कॉन्सेप्ट वही है, जो ये बिल्कुल असल में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। सही है, तो हम क्रिएट किया हमने लॉन्च तो ये ऑप्शन आ गए। सही है। अच्छा, इसके अंदर Amazon ने माई AMI और AWS Marketplace दो ऑप्शन दिए है, कम्युनिटी AMIs, इन AMIs के बारे में हम पढ़ेंगे। सही है, तो माई AMIs पे आप जो आप क्लिक करेंगे Amazon की, तो इसके अंदर अच्छा इस ऑप्शन को हम जो है सही है सही है, तो माई AMIs में क्लिक किया तो आपके पास क्या है AWS, अच्छा ये आपने मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है, अच्छा के अंदर सही है। अच्छा, अभी जो है वो ऑप्शन जैसे क्योंकि स्टार्ट पे हम वापस आ जाते हैं एक दफा फिर दोबारा से बैक करके, सही है, आप इंस्टेंसेस के ऊपर आते हैं या इंस्टेंसेस पे यहाँ जाके आप क्लिक कर लें लॉन्च इंस्टेंस पे, या आप यहाँ पे क्लिक कर लें लॉन्च इंस्टेंस पे, सही है, या आपके पास आ गए लॉन्च इंस्टेंस। सही है। अच्छा, ये अभी AMIs वगैरह आपकी जैसे अब मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है, सही है, तो इसके अंदर क्या है कि आपके पास मल्टीपल, ये आपके स्टार्ट में दे रहा है क्योंकि स्टार्ट के अंदर ही दे रहा है कि भाई यहाँ से आप स्टार्ट कर लें और फिर जो है वो आप जैसे कि बिल्कुल स्कोर बना बनाए AMIs बने हुए हैं और जो Amazon की AMIs जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि AMIs उन्होंने एज अ इमेज बनाई हुई है, मतलब उसके अंदर आपको बिल्कुल स्कोर यहाँ पे बिल्ट इन वेब सर्वर जो मिलते हैं कि भाई आपके ये चीज़ें इंस्टॉलेशन है Ubuntu CentOS सर्वर्स में वेब भी बने हुए ऑलरेडी, तो हम बिल्कुल एक नई मशीन बनाने जा रहे हैं तो हम जो है बिल्कुल क्योंकि स्टार्ट में ऑप्शन में करके तो वो हमें पहले से बता देंगे ये मशीन है आप डायरेक्ट बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर हमने बेसिकली हमने खुद इंस्टॉलेशन करनी है, इसलिए हम लोग लर्निंग इसके अंदर फेस के अंदर है, वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि एज अ वेब सर्वर डायरेक्ट कैसे क्रिएट होता है, अभी हम सिंपल विंडोज की मशीन बना रहे हैं। सही, विंडोज की मशीन बनाना सीख रहे हैं कि विंडोज की मशीन कैसे बने, हम किस रीजन में बना रहे हैं, हम बना रहे हैं नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, हम नॉर्थ सही है, जिस रीजन में आपने बनाना है तो मैंने आपको बेसिकली पहले बताया था कि आप उस रीजन पे क्लिक कर देंगे
तो बिल फट्स कह रहे हैं आप नॉर्थ वर्जीनिया में नहीं बोल रहे, आप मुझे कोई रीजन बताएं मैं वहां बनाता हूं। यूएस का बनाए, यूएस का तो नॉर्थ वर्जीनिया है ना, सही है, आपने इस पे क्लिक कर दिया। सेम सिनेरियो इसके अंदर भी सही है। अच्छा वो ऑप्शन जिस पे आपने क्लिक किया हुआ था तो वही ऑप्शन खुल गया। अब जो सर्वर क्रिएट होगा और जो आईपी मिलेगी वो आईओपी मिलेगी, सही है, ये क्लियर है। चले आप सर्वर क्रिएट करके देख लेते हैं, सही है। अच्छा इसके अंदर ये ऑप्शन देखते हुए के देखें, बिल्कुल अच्छा, इसमें पहले मैक का ऑप्शन नहीं था इसके अंदर के, बिल्कुल मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया था। किसी ने डेवलपर ने टेस्टिंग करनी है, आपने यूज करना है किसी पर्पस के लिए मैक मशीन चाहिए, तो आप जो है टेम्परेरी बेस पे या परमानेंट बेस पे आप ये सेलेक्ट करके मशीन बना सकते हैं, सही है। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पेड, सही। अच्छा ये जो है ना लाइसेंस के साथ है, मतलब आपको बेफिक्र नहीं, ये आपको सिर्फ आपकी आवर्ली पेमेंट लेके जो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं अमेजोन, वो उसके अंदर ये इंक्लूड है सारी चीजें, मतलब आपको किसी चीज की टेंशन नहीं। आपने अमेजोन कैलकुलेटर पे गए, उधर डिस्क्राइब किया कि मतलब उधर चेक बॉक्सेस लगाए कि भाई कौन कौन सी मुझे रिक्वायरमेंट है, आपने वो सेलेक्ट किया और अपनी पेमेंट चेक कर ली, इतनी पेमेंट मेरी आएगी, एस्टिमेट लगा लिया, तो मैक्सिमम वही आती है पेमेंट जो होती है, सही। तो ये सारी चीजें आपका सारे ऑप्शन दिए हैं मैंने, यूबंटू सर्वर दिया हुआ है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 बेस मशीन, आपको पता है कि विंडोज बेस मशीन क्या है, सही है। तो इसके कंटेनराइजेशन भी दी हुई है, अच्छा इसको बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि क्या करना है, सही। अभी हमने जो है वो कोई सी भी मशीन बना लें, बिलफर्ज करें 2012 R2 बना लें, 2016 बेस मशीन है, बेस मशीन अगर विंडोज ब्राउजिंग के लिए यूज करना है तो सबसे बेहतरीन बेस मशीन है, सही। तो आपने 2016 का सेलेक्ट कर लिया इमेज, सही है। अब देखें जैसे ही सेलेक्ट किया आपने तो ये ऑप्शन खुला के जो मैंने आपको बताया था कि आपके इंस्टेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सर्वर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस आपके पास लेकर आया हूँ, मैंने बोला है मुझे एक इंस्टेंस बना दे, एक सीपीयू बना दे, उसमें जो है ये वाला प्रोसेसर लगा हुआ होना चाहिए, इतनी जीबी रैम होनी चाहिए, इतनी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, तो हम वो यहाँ पर डिजाइन करेंगे। बिल्कुल सारी चीजें आपको यहाँ पे अमेजोन ने पूरा क्लियरली बता दिया है, सही है। अगर अमेजोन कैलकुलेटर खोलते हैं या इसके इंस्टेंस टाइप्स पढ़ते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि इंस्टेंस टाइप्स कौन कौन सी होती है, सही है। तो और दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप क्रिएट करते हो, जब भी आपके पास ऑप्शन खुल जाता है तो ये बहुत इजीली आप कोई भी यूजर जो अननोन है जिसको नहीं आइडिया वो भी ये देख के पढ़ सकता है कि T2 नैनो जो है वो 0.5 GB मेमोरी यूज कर रहा है, मतलब एक मशीन आप 0.5 GB की भी बना सकते हैं और ये 1 GB है T2 माइक्रो जीबी की बना, बिल्कुल वो मशीन का भी ऑप्शन देता है। तो अब लेकिन वो इधर से तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होगी, मतलब अगर आपके रिक्वायरमेंट टेस्टिंग पर्पस के लिए वो बनती होगी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ मतलब उसकी जैसे फ्री टियर होती है, फ्री टियर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम फ्री टियर कौन कौन सी होती है, इंस्टेंस टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सही है, जो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, और एज अ वेब सर्वर बनाना भी सीखेंगे कि वेब सर्वर क्या होता है, सही है। DNS पॉइंटिंग हम पहले ही कर चुके हैं कि DNS डोमेन क्या होता है, उसके DNS किस तरीके से काम करते हैं, उसको होस्ट कैसे करते हैं, सही। एज अ वेब सर्वर अगर हम सर्वर वेब सर्वर बनाते हैं अमेजोन के ऊपर तो वो कैसे सारी इंटीग्रेशन होती है, ये हम इसके बारे में क्लास में पढ़ चुके हैं, आप इसको करके देखेंगे लाइव एनवायरनमेंट में, सही। तो अभी आप सिर्फ सर्वर देखेंगे भाई किस तरीके से सर्वर क्रिएट हो रहा है क्लास के अंदर, सही। इंस्टेंस हमने क्लिक किया और स्टार्ट किया और उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया T2 बिल फर्स्ट करें 1 GB रैम का बना रहे हैं, इसलिए कि हम फ्री टियर पे काम कर रहे हैं, ये फ्री टियर आगे पढ़ेंगे कि फ्री टियर में अगर मैं T2 स्मॉल सेलेक्ट करता हूँ, T2 मीडियम सेलेक्ट करता हूँ, तो अमेजोन की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर मैं फ्री टियर पे काम करना है तो इस बस इंस्टेंस के ऊपर टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको समझ लें अगर कोई अकाउंट क्रिएट करता है उसको 750 आवर्स मिल गया, अब मैं 10 सर्वर बना लूं, मतलब आप समझ लें कि ये 31 डेज के आप हिसाब से लगा लेंगे, अगर 24 घंटे में एक सर्वर लॉग इन करता हूँ T2 माइक्रो का, तो 750 आवर्स आप कैलकुलेट कर लें कि किस तरीके से कितने दिन में हो रहा है, जैसे 30 से 31 दिन में मेरे ख्याल से इसका पूरा हो रहा है 70, अगर 24/7 सर्वर ऑन किया हुआ,
अगर आपने वो नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया था क्लाउड एनवायरनमेंट है, क्लाउड वर्चुअल एनवायरनमेंट है। क्लाउड एनवायरनमेंट में क्या होता है, जितने घंटे आपने यूज करना है इसके अंदर सबसे अच्छी चीज आपको ये दे रहा है कि भाई आपने सर्वर यूज करना है तो उसके ऊपर जो है वो आप, एक मिनट में चेक कर लूँ कि वीडियो चल रही है या स्टॉप हो गई है, रिकॉर्डिंग देख लिया सही है। तो अब जो है इसको चीज को हम आगे लेके चलते हैं कि भाई T2 माइक्रो सेलेक्ट कर लिया, सही है। अब देखें सबसे पहले एक ये ऑप्शन दे रहा है प्रीवियस बैक जाने का, सही है, और एक दे रहा है रिव्यू एंड लॉन्च का, सही है। अभी हमने रिव्यू लॉन्च नहीं किया, देखें बैक आ गए। बैक आने का मतलब ये कि फर्स्ट स्टेप पे मैंने आपको दिखाया कि दोबारा से इस पे आ गए। अच्छा, इसके ऊपर एक सर्च का ऑप्शन भी दिया हुआ है जिसके अंदर मैं आपको फर्स्ट का ऑप्शन दिखाना था कि विंडोज, सॉरी थोड़ा सा ये देखें, विंडोज 2019 बेस मशीन है, 200 SQL के साथ है, SQL के लाइसेंस के साथ है, सही है। तो उसके अंदर स्टैंडर्ड देखें, SQL के अंदर भी लाइसेंसिंग का होता है फर्क कि स्टैंडर्ड का लाइसेंस अलग होता है, एंटरप्राइज का अलग होता है, सही है। वेब एडिशन एक अलग होता है, इस बारे में भी डिटेल में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अभी हम कौन सा सेलेक्ट कर रहे थे, सही है। तो अभी आप ये हम सेलेक्ट कर लिए, दोबारा से उसी जगह पे आ गए, सही है। अब हम नेक्स्ट करें ताकि मैंने प्रीवियस करने के लिए आपको दिखाने के लिए दिखाया है कि हम इस तरीके से भी विंडोज सर्च करना है या सेंटोस सर्च करना है विंडो, तो हम सर्च करके कैटेगरी आपको आसानी हो जाएगी कि भाई ये चीज मैं बना रहा हूँ। अब कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स देखें, अब ये देखें जब कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल में आते हैं तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने बनाने। मैंने 10 मशीनें बनानी है एक साथ, तो मैं इसमें क्या करूँगा। अच्छा, ये ऑप्शन जो है ना ये बड़ा अच्छा है, अगर इसको हम डिटेल में पढ़ने ऐसा मतलब पढ़ना चाहिए हम लोगों को, सही है। तो वो ऑप्शन भी आपको क्लियर देता है, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है तो आप उसके ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं और डिटेल पढ़ सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन है क्या, मतलब इस ऑप्शन को मैं कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ, सही है। सब चीज़ों के बारे में वो बता रहा है। बिल फर्ज करो ऑटो साइनिंग पब्लिक IP के ऊपर अगर मैं करता हूँ तो ये ज़रा पढ़िएगा कि रिक्वेस्ट अ पब्लिक आईपी एड्रेस फ्रॉम अमेजोन पब्लिक आईपी एड्रेस पूल टू मेक योर इंस्टेंस रीचेबल फ्रॉम द इंटरनेट। इन मोस्ट केसेस द पब्लिक आईपी एड्रेस इज एसोसिएटेड विद द इंस्टेंस अंटिल इट्स स्टॉप्ड और टर्मिनेटेड आफ्टर विच इट्स नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर यू टू यूज, सही। मतलब इसके अंदर बेसिकली जो है वो आपको मैं डिटेल बता दूँ कि और भी डिटेल है, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं जब अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर यह है कि जब भी सर्वर क्रिएट होता है ना तो इसके अंदर ऑप्शन देता है कि अगर ये इनेबल, मैंने इनेबल रखा हो ना, ये ऑटो इनेबल रखते हैं, सही है। तो अगर ये इनेबल नहीं भी रखते आप इस ऑप्शन पे आके, कोई मसला नहीं है, आप डिसेबल रख दो। इसलिए हर आप जब वेब एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मुझे अभी क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से करना है। तो हम जब विंडोज मशीन एज अ ट्रेनिंग पर्पज के लिए बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि जो मैंने इनेबल रखा हुआ है तो उसके अंदर जब सर्वर क्रिएट होकर आएगा तो उसके अंदर देखिएगा एक ऑटो पब्लिक आईपी असाइन हो जाएगी। अमेजोन अपने पूल से एक आईपी निकाल के, मतलब उसके पास पूल पब्लिक आईपीज की रेंजेस इसके अंदर होंगी, मतलब इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, इस रीजन के अंदर उन्होंने पूरा पूल डिफाइन किया हुआ है, DHCP का होगा। इसलिए ऑटो आईपी जो आती है वो DHCP से आती है। इस ये चीज तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, DHCP और स्टैटिक आईपी क्या होती है, ये हम डिटेल पढ़ चुके हैं इस बारे में। नॉर्थ वर्जीनिया के कोई पूल से, बिल्कुल 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 उनके अंदर आ जाएगा आईपी एड्रेस हमारा, बिल्कुल। ये थोड़ा सा उसमें से ही कोई आएगा, हाँ बिल्कुल, ये चीज सही है कि ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना कि मतलब अगर मैं पूल जो बता रहा है तो वो जितना भी पूल से आईपी लेके कुछ भी लेके आ रहा है वो पूल से वो आएगा ओहियो के अंदर, मतलब इसके अंदर इसका इस रीजन के अंदर, मतलब US के इस रीजन से ये पूल डिफाइन किया हुआ, उधर से ये आईपी उठ के आएगी, सही है। सही, तो ये सारा जो है नेटवर्क बाय अच्छा अमेजोन ने सबसे अच्छी चीज़ की हुई है कि भाई किसी को अगर नेटवर्क का आइडिया नहीं है, कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, नेटवर्क का आइडिया नहीं है, वो वैसे वेब एडमिनिस्ट्रेटर उसने काम किया हुआ है, नेटवर्क का नहीं है, मैं सबनेटिंग नहीं जानता वो बंदा, तो वो सिंपल कुछ भी नहीं करे, वो डिफॉल्ट पे जाने देता है, सही है। तो डिफॉल्ट पे क्या अमेजोन ने खुद ऑटो, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब क्रिएट, उन्होंने खुद सारा डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब ये भी बहुत अच्छा मतलब आपको मिलता है अगर आप स्टार्टिंग है आपके लिए वेब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो स्टार्टिंग थोड़ी सी हार्ड है, हाँ वो एक अलग, तो ये कुछ लोग नहीं होते तो उनके लिए पहले पूरा डिजाइन करना पड़ता है, तो सबसे आसान इन्होंने दिया हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना, आप डिफॉल्ट में जाने देंगे, लेकिन हम इस बारे में पढ़ेंगे कि क्रिएट कैसे होगा, इसलिए ये एज अ वेब एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए कि अगर नेटवर्क है तो VPC क्या कहलाता है, VPC क्रिएट कैसे करते हैं और किस तरीके से असाइन अपना VPC और अपना जो सबनेटिंग किस तरीके से हमने करना है,
और सारी चीजें हमने इन चीजों को पढ़ना है। ठीक है, अभी हम जो है वो सारे ये सारे ऑप्शंस हैं, सही है। तो अब इसके अंदर नेटवर्क सबनेट ऑटो साइन आईपी इन सारे जितने भी प्लेसमेंट ग्रुप कैपेसिटी रिजर्वेशन और जितनी भी चीजें ये इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इस चीज को पढ़ना है। तो अब जो है वो ये ऑप्शंस आ गए आपके, सही है। तो अब ये इस बारे में सही डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी हम आगे ऑप्शन पे जाते हैं ताकि जो है इनको डिटेल पढ़ेंगे बाद में। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई नॉर्मल बनाना है तो मैं और कुछ मैं चेंजेस नहीं करूं, इसी टू पे क्लिक करके डिफॉल्ट पर छोड़कर आगे चले। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट जरा इसको सही है। तो अब इसको हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन किया तो उसके बाद जो है वो डिफाइन हो रहा है कि भाई जब भी इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसका एक रूट वॉल्यूम होता है और एक सेकेंडरी होता है। जैसे हम नॉर्मल मशीन बनाते हैं कि एक सी ड्राइव होती है, जब हार्ड ड्राइव पे लगा दो, अगर उस पर पार्टीशन किया हुआ है कि भाई डी ड्राइव बताया हुआ, सी ड्राइव पे विंडोज जैसे इंस्टॉल होती है, तो ये वैसे ही है, यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी और उसके अंदर जो है, अच्छा ये ऑप्शन जो है हम पढ़ेंगे। अच्छा, ऐड वॉल्यूम कराना है तो हम वॉल्यूम ऐड करा सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव, जितनी हार्ड ड्राइव आपने मतलब जितनी भी ड्राइव ऐड करानी है, एक करानी है, दो करानी है, तीन करानी है, तो मतलब ये ऑप्शन आपके अंदर क्रिएट हो गया है, मतलब अभी क्रिएट नहीं हुआ है, प्रोसेस में, अभी प्रोसेस के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन चल रही है सारी, सही है। तो अभी हाँ ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं के, हाँ उसके बाद जो है ये देखें आप ऊपर टॉप पे भी देख लीजिए कौन से ऑप्शन तक पहुंचे हैं। अब ये देखें ऐड टेक्स्ट, फिर कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स, फिर रिव्यू, फिर लॉन्च। तो ये है कि अभी ऑप्शन बाकी है हमारे, अभी हम इसको एबीएस, अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके अंदर एबीएस भी पढ़ेंगे, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक चेक लगा, पहले इन ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, फिर बाद में थोरली भी पढ़ेंगे कि रूट ड्राइव बता रहा है, सही, ये इसका डिवाइस का अमेजोन का अपना, जैसे कि लिनक्स एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि लिनक्स के अंदर होता है, तो इस तरीके से इनका रूट डिवाइस जो है ना ये आती है, सही। और उसके अंदर ये स्नैपशॉट आईडी है इसकी, मतलब उसके बाद ये आ रहा है आपका साइज, सही है, कि कितना जीबी हार्ड डिस्क होगी या जो भी है। अच्छा, वॉल्यूम टाइप इसने बता दिया कि अच्छा ये हम इसके ऊपर जो पढ़ेंगे इसमें डिटेल में पढ़ना है हमने इस बारे में कि वॉल्यूम टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी स्टोरेज होती है, कौन-कौन सी होती बिल्कुल 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 तो उसके ऊपर जो है ना वो आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, सही है। तो उसके अंदर आपको ये चेक लगा दोगे तो उसमें क्या होता है, ये आपको जो नजर आ रहा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यानी जब मैं डिलीट करूं तो ये डिलीट हो जाए, मतलब अगर ये चेक मैंने हटा दिया इसको तो इसका फर्क क्या होगा, इसका मतलब नहीं होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है कि मतलब ऐसा ना हो कि आपकी रिसोर्सेज आप डिलीट कर दो और आपकी कहीं पे हार्ड ड्राइव और कुछ पड़ी हुई हो और वो सर्विसेज उसके चार्जेस लग रहे हो। जब मैं अपना इंस्टेंस जो मैं क्रिएट कर चुका हूँ, सीपीयू जो मैं बना चुका हूँ, जब मैं उसको टर्मिनेट करूंगा तो इसको डिलीट कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब उसको टर्मिनेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्जेस लेता रहेगा, बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इसके अंदर आता है टैग। टैग आपको समझ में आ रहा था किसी भी चीज का टैग क्या होता है, उसका नेम होता है, सही है। अच्छा, अमेजोन क्या है, इसको किस तरीके से करता है, जो इसका ऐड टैग कराएंगे ना आप, तो इसके अंदर दे रहा है कि की और वैल्यू। तो की में के अंदर जो आप क्या करेंगे कि कोई भी नेम होगा ना, जैसे इसका कॉलम है तो वो नेम को लेता है, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये नेम है इसका, नेम इसका की में रखो और वैल्यू जो रखूंगा ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब बिलो फर्ज करो मैं आपको विज्मो के नाम से कर रहा हूँ, विज्मो टैग, ये मैंने इसकी वैल्यू रखी है, नाम नाम रख दिया हमने, कि मतलब इसका नेम है, मतलब नेम के अंदर ये आ जाए बेसिकली, आप ये समझ लो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जब नेम, आपने सिर्फ इधर नेम ही आएगा, यानी नेम आपको ऑप्शन होगा तो वो आपके इस के अंदर वैल्यू में आप जो नाम देंगे वो उसको इधर व्यू, जैसे अभी हम देखेंगे आगे कि विज्मो टैग मैंने इधर वैल्यू दे दी है, सही। अच्छा, एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक फीचर है, सिक्योरिटी ग्रुप, सही। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, ये आपका मेन फीचर है, इसको आपने बहुत एहतियात से और बहुत मतलब चीज़ें इसको यूज़ करनी है, बहुत देखभाल के इसको रूल अलाउ करना है, सही है। ये जो है अब जैसे कि बिल फर्ज करें मेरे लिए एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने कोई सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप आपको सिक्योरिटी के नाम से पता चल रहा है कि आपकी सेफ्टी है, यानी सेफ्टी किस चीज़ की, सर्वर की, जो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, तो सेफ्टी का मतलब एज अ फायरवॉल यूज हो रही है,
यानी फायरवॉल आपका मतलब हाँ मतलब आपका एक बिल्कुल आपको किस सेंस में कहेंगे कि आपको बिल्कुल ब्लॉक एक दीवार है मतलब जिसके बाद आपने जो चीज आप गेट पास समझ लें कि जिसके पास होगा वही अंदर इंटर होगा अदरवाइज वो वहीं पे ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर देखें सबसे पहले तो मैं क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप कर रहा हूँ तो इसमें पूछ रहा है कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप का नेम क्या है। सिक्योरिटी ग्रुप का नेम कुछ भी कर लें कि विज़मो डैश सिक्योरिटी डैश रूल। डिस्क्रिप्शन पे भी मैं यही दे देता हूँ सही है। अच्छा अब ये पोर्ट्स के बारे में एक तो चीज हमने नेक्स्ट क्लास में क्या करनी थी ये जो चीजें आपने थोड़ी सी पढ़ के भी आनी है कि पोर्ट्स मैंने पहले भी बोला था कि भाई पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सही है कि पोर्ट्स किस तरीके से काम कर रही है और आपके आपको पोर्ट्स का पता होगा तो कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। इसलिए कि कोई भी क्लाइंट या कस्टमर जब चीज क्वेरी लेके आएगा तो वो ये बोलेगा मुझे FTP कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे पास ईमेल नहीं जा रही है मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा मशीन पे तो वो आपको कहाँ से मैनेज कर रहोगे वो आपको यहाँ से मैनेज कर रहोगे क्योंकि जब तक एक इसलिए कि ज्यादातर आपके यूजर्स वगैरह का इसलिए कि आप भी सर्वर बना रहे हो US के अंदर आपका जो यूजर जैसे मैं अब अमेजोन के पैनल को कनेक्ट कर रहा हूँ जब मैं उसका RDP लूंगा तो मैं एज अ पाकिस्तान में हूँ और मैं जब उसको US में कनेक्ट करूंगा तो मैं उसके पास थ्रू द इंटरनेट उसके पास जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले कहाँ पे पहुंचूंगा इसके फायरवॉल पे पहुंचूंगा। जब मैं इस फायरवॉल पे जब वो रूल डिफाइन करूंगा ना तो वही रूल मेरे पे इंप्लीमेंट होगा। अगर मैंने अलाउ कर दिया तो मैं अलाउंगा और अगर मैंने डिसअलाउ किया हुआ है इसकी IP अलाउ नहीं कराई हुई तो मैं उधर ही ब्लॉक हो जाऊंगा तो मेरे पास चीज नहीं चलेगी। तो ये सारे रूल्स इसके अंदर आपको बताने पड़ेंगे कि भाई किस तरीके से क्या चीज यूज कर दिया। तो RDP सबसे पहला रूल बाय डिफॉल्ट लेके आ रहा है कि RDP इसलिए कि जब इंस्टेंस क्रिएट होगा तो सबसे पहले आप RDP ले दो सही है RDP ले दो जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप RDP क्या होता है RDP आप एज अ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इस पे काम करता है मतलब ये समझ लें कि ये आपको समझ लें रिमोट लेने के लिए MSTSC जैसे आप लेते हैं ना विंडोज का फीचर तो उसके अंदर किसी भी और कंप्यूटर में एंटर होने के लिए इसका जैसे कि आप वर्ल्ड फर्स्ट करेंगे मैंने पहले से RDP लिया हुआ है हालांकि ये हमारा जो कंप्यूटर है वो एक अलग है और ये मैं एज अ दूसरे कंप्यूटर के अंदर इंटर होके आपको अमेजोन पोर्टल वगैरह मैंने ओपन किया हुआ है सही है। तो ये आपको इसका पोर्ट आपको याद होनी चाहिए कि इसकी 3389 इसकी पोर्ट होती है सही है ये पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए बिल्कुल ये सारी पोर्ट्स आपको जबानी याद होनी चाहिए नहीं कुछ और होगा तो उसकी पोर्ट अलग होगी वो अभी हम क्रिएट करेंगे ना रूल आगे बताएंगे तो आपको पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा कि किसकी पोर्ट क्या है किस तरीके से अमेजोन ने कौन सी पोर्ट्स बताई नहीं है और कौन सी पोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए सही है। जैसे एक RDP सिर्फ एक पोर्ट लेके आ रहा है वो ताकि आप रिमोट ले सकें। अच्छा वो जो रूल ये लेके आ रहा है कि 3389 ये डिसेबल आ रहा है इसको आप चेंज नहीं कर सकते देखें आप सिर्फ टाइप को कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करनी है और आप सिर्फ कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई कहां से। अच्छा 00 का मतलब एनीवेयर ही होता default. है सही है। अब 00 का मतलब ये होता है कि मैंने कोई IP बताई भी नहीं है सही है। अच्छा ये मैं आपको बताऊंगा कि 0 का मतलब क्या होता है /32 का मतलब क्या होता है /24 का मतलब क्या होता है /16 का मतलब क्या होता है इसलिए ये आपको बहुत जरूरी है। इसलिए जब आप सिक्योरिटी ग्रुप्स पर काम करेंगे तो आपको पता होता है कि 32 कोई भी IP/32 मतलब स्टैटिक सिंगल IP की बात हो रही है मतलब कोई भी सिर्फ इसी सिस्टम पे रिमोट हो इसलिए इसी सिस्टम से रिमोट आया इसके सबनेटिंग मतलब मैंने 16 तो ये आगे थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे सही है। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि एनीवेयर को नहीं करते कस्टम या इसलिए ये थोड़ा आपका सही नहीं है मतलब इसके ऊपर इसको फॉलो करना सही नहीं कहूँगा कि ट्रिपल मतलब उसको एनीवेयर से कहीं से भी नहीं होता कोई भी सर्वर कोई भी चीज़ उसको हमेशा आप जो है वो कस्टम करके अपनी IP अलाउ बता दो कि बिल फर्ज करें कोई भी IP मैं इसको बता दूं कि कहीं की भी एक IP है जैसे अच्छा IP कैसे पता चलेगी वो मैं आपको इस चीज के अंदर बताता हूं। ये देखें IPinfo.io बहुत सारी मतलब वेबसाइट्स हैं जो उसकी IPs बता देती हैं IPinfo.io व्हाट इज माय IP सही है गूगल पे आप करेंगे तो जो रीजन होगा उसकी IP देनी पड़ेगी क्या नहीं जहाँ से आप एक्सेस करेंगे यहाँ पे एक्सेस करना सही है
तो अब ये जो है वो आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आप सिर्फ आईपी शो कराने के लिए बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। मैं बेसिकली इसको फॉलो करता हूँ किसी एक चीज़ को, तो मतलब आप भी अलग अलग जगहों पे आईपी सेम आएगी इधर की, सही है। इसके अंदर आईपीस आप कहीं से भी आप सर्च करें, सही है, ये 202.47.54.36, 202.47.54.36, ये और मेरे लैपटॉप की मतलब आईपी ये आपकी लैपटॉप की आईपी जिससे मैं रिमोट लेके अपने उसमें जा रहा था ना, ये इसकी अलग आईपी होगी, सही और है। इसकी अलग और होगी। इस सिस्टम से जिससे हमने जूम मीटिंग कॉल कराई हुई है, और तो इसकी एक लैपटॉप की एक अलग आईपी, जिस जगह पे अभी हम बैठे हैं वो वहाँ की इंफॉर्मेशन देगा अभी जो इंटरनेट हमने कनेक्ट किया हुआ। अच्छा, इसके अंदर ये आईपी जो आ रही है, देखें आप सब जगह पे आईपी सेम आ रही है, इसके अंदर वो बता रहा है कि किस जगह की आईपी, किस शहर की आईपी, किस रीजन की आईपी है, सही है, कंट्री कौन सी है, सही है, और कौन सा सर्विस प्रोवाइडर आईपी आप यूज कर रहे हैं। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने आईपी मालूम कर ली, बिल फर्ज करें ये मैंने आईपी कॉपी कर ली। अच्छा, इसमें सीन ये है कि आपको स्टैटिक आईपी चीज का पता होना चाहिए कि स्टैटिक आईपी क्या है, डीएससीपी आईपी क्या है, बाइट लिस्टेड आईपी क्या है, ये सब चीजों का मालूम होना चाहिए आपको। सही, अभी मैं इसको एनीवेयर एनीवेयर करता हूँ ताकि कहीं से भी कनेक्ट हो जाऊं, इसलिए कि ये आपका जो प्रोवाइडर है, सही है, जो आपका आईएसपी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में वाइट लिस्टेड आईपी ना हो, लेकिन चले मैं आपको ट्राई समझाने के लिए आपको ये चीज कर देता हूँ। सही है, ये आपने किया और स्लैश ये ऑप्शन खुद दे रहा है 32 मैंने कर लिया, मैंने बोला कि सिंगल आईपी के लिए है तो मैंने इसको एक एज अ रिव्यू एंड लॉन्च कर दिया। अच्छा, मतलब मैंने रिव्यू उसको इजाजत दे दी अपने सीपीयू को कि भाई इस वाले सीपीयू से से तो आरडीपी वो है, आपको इस जगह से सिर्फ आपको आरडीपी है, रिमोट डेस्कटॉप ये हर पर वो सर्विसेज लाएंगे। अलग अगर है। हाँ, अब मैं हमें सिक्योरिटी दे दी, अगर मेरे लॉन्च अगर मेरे सर्वर को खोलना है तो सिर्फ ये वाला सीपीयू की जिसकी मैंने हाँ आपको आईडी दी है वो बस खोलना। यहाँ से रिमोट आया, मतलब मतलब ये इसका अगर आरडीपी है। नेटवर्क एक ही है तो इस नेटवर्क से ही आए और किसी नेटवर्क से नहीं आए। सही है, अब इसको लॉन्च करेंगे, रिव्यू करने का एक ऑप्शन दिया हुआ इसने कि जो चीज हमने सेलेक्ट की ना वो सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो हुआ तो, लेकिन ये है कि बिल्कुल सारी चीजें ओके चल रही हैं कि T2 माइक्रो हमने सेलेक्ट किया है, आरडीपी का रूल बना हुआ है, सही है, और इंस्टेंस डिटेल्स बता रहा है ये, इसको ऑप्शन को खोलना कि इसकी ये वीपीसी जो हमने डिफॉल्ट पे जाने दी थी, ऑन डिमांड सारी चीजें रखी थी इसके अंदर ये है, और आप हमने कुछ भी स्टोरेज चेंजिंग नहीं किए हैं सीपीयू बनाने में, सिंपल एक अभी तो क्रिएट। सिंपल हमने बनाया ना, तो अभी हम चेंजेस आगे जी देखेंगे जी किस तरीके जी से लैब के जी अंदर, ठीक है सही है, ये हमने डिफाइन किया था कि 30 GB, सही है, सिंपल 30 GB पे जाने दिया है, हाँ ऐसा सुन। सही है, और इसका टैग हमने क्या रखा है ये भी बता रहा, जो हमने रिज्यूमे टैग दिया है, मतलब ये सारी तो हमने स्टेप्स इन्फॉर्मेशन। फॉलो किए, अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं, और एएमआई कौन से सेलेक्ट किया हमने, अभी आपने चेंज करना है जब भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, सही है, बिलफर्ज करें, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, एडिट सिक्योरिटी ग्रुप, सही है। अब मुझे ये समझ भी नहीं आया, मैंने बोला कि यार एक सही मिनट इसको एक मिनट थोड़ा सा मीटिंग, सही है, तो थोड़ा अब दोबारा से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, सही है। तो एडिट हमने जो है करा वो एडिट सिक्योरिटी ग्रुप किया, तो उसके बाद जो है हमने ये डिफाइन किया था, मुझे आपको ये दिखाना था कि हमने लॉन्च करने से पहले भी एक ऑप्शन दे रहा है कि भाई एडिट कर लें आप कोई भी चीज़, तो ऐड रूल कराया बिल फर्ज करें, मैं आपको ये ऑप्शन दिखाना थे कि अभी इस क्लास में कि भाई कस्टम टीसीपी प्रोटोकॉल इस पे डिफाइन कर रहा है, रूल जो बना रहे हैं कस्टम टीसीपी, उसमें क्या क्या चीज़ है, कस्टम टीसीपी रूल, यूडीपी रूल, आईसीएम रूल, आईसीएमपी रूल, और आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, कस्टम प्रोटोकॉल, ऑल टीसीपी, ऑल यूडीपी, सही, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं जो अमेज़ॉन ने दिया हुआ है, यानी इस पोर्ट्स के अलावा अगर आपको इस मतलब सर्विस के अलावा कोई और आपने अलाउ करवानी है तो आप कहाँ जाएंगे, कस्टम टीसीपी रूल पे, सही, अगर और इनमें से कोई सर्विस आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें मैं आपको बता दूं, जैसे एसएसएच है, एसएसएच तो इसका नहीं होगा, ये विंडोज सर्वर है, सही, इसका आरडीपी होता है, तो अब जो है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ठीक तो इसके अंदर जो है वो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इसकी पोर्ट आ रही है, तो ये जितनी भी सर्विसेज है ना ये जो आ रही है इसकी पोर्ट्स अमेज़ॉन ने डिफाइन की हुई है,
सही है। तो अब इसके अंदर हम मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कस्टम पोर्ट्स हैं। अब देखें इसकी सर्विसेज के अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोर्ट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। अगर आपको पता नहीं होगी तो आप उसको पोर्ट को इंटर वरना गूगल कर लें, सबसे आसान तरीका ये है कि वो पोर्ट वहाँ से पर चल जाएगा। जैसे कि FTP अगर मैं बिल फर्ज करें कोई एक FTP करता हूँ, मैंने कस्टम रूल पे गया जो FTP वहाँ पे नहीं है, तो मुझे बेसिकली पता है कि 21 की पोर्ट यहाँ पे चीज़ है, या मैंने ट्रैफिक ऑन करने के लिए इसका HTTP जब मैंने किया तो ये ऑल ट्रैफिक ऑन कर दिया, इसलिए कि HTTP इंटरनेट वगैरह मतलब आपने ऑन कर दिया कि सबके पास जो है वो कनेक्शन बन के कनेक्टेड हो जाए। मतलब ये जो भी चीज़ें आप पब्लिकली ओपन कर सकते हैं वो मैं पब्लिकली ओपन कर देते हैं। HTTPS हो गया, सही है, सिक्योर आपका इंटरनेट, तो मतलब ये चीज़ आपने ओपन कर ली। या जो भी चीज़ है ऑल ट्रैफिक ऑन करना है, ऑल ट्रैफिक मैंने आपको बोला कि ऑल ट्रैफिक नहीं, आपने ये रूल्स में बेसिकली जो ये रूल्स लगा रहे हैं आप, सही है, मेरा सिक्योर ये कर सके, ये चीज़ें सर्विसेज के अंदर हो, सारी चीज़ें ही हो। ये मैं आपको 1080 मैंने स्पेशल अलाउ कराया कि अभी हम FTP वगैरह इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर बेसिकली टेलनेट भी होगा, ताकि मैं आपको कनेक्शन पोर्ट्स के थ्रू दिखाऊंगा कि पोर्ट से कैसे चेक किया जाता है कि पोर्ट ओपन है या नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें ऑन की हैं, इसलिए कि इसको इंस्टॉल करने के लिए बाय डिफॉल्ट ये जाता है। सही है, तो अब जो है मैं इसको रिव्यू एंड लॉन्च किया। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये देखें, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि भाई कि ये 22 की पोर्ट SSH के लिए लिनक्स के लिए होती है। SSH जो भी लेते हो लिनक्स, जैसा कि विंडोज़ में RDP यूज़ करते हैं, लिनक्स में SSH यूज़ करते हैं उसको सर्वर को एक्सेस करने के लिए। वो बता रहा है, वो खुद भी बता रहा है कि यार ये चीज़ जो है ना अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, अब जैसे कि इस पे जाते हैं, अच्छा नहीं ये है, बिल्कुल अच्छे, ये CADR ब्लॉक बता रहा है, ये बिल्कुल इसके अंदर देखें ये ऑप्शन बता रहा है, खुद बता रहा है कि सोर्स नीड्स टू बी अ CIDR ब्लॉक, यानी CIDR ब्लॉक के अंदर आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ। तो मैं डिफाइन बिलफर्स करें कर देता हूँ इसके अंदर यही सेम IP। अब लॉन्च पे जाते हैं, देखें एरर खत्म हो गया, वो चीज़ क्लियर हो गई। अब ये सारी चीज़ें हमने व्यू कर ली थी पहले ही, तो हम इसको लॉन्च पे जाएंगे। अभी हमारा सर्वर लॉन्च हो गया, अभी लॉन्च हो रहा है, अभी देखें अभी तक हुआ नहीं है। अभी ये पूछ रहा है एक और चीज़, आखिरी जो चीज़ रह गई है वो चीज़ रह गई है सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग की पेयर और क्रिएट अ न्यू की पेयर। ये की पेयर क्या होता है, अमेजोन ने बहुत सिक्योर चीज़ें की हुई हैं, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ क्रेडेंशियल से काम नहीं चलेगा, क्रेडेंशियल हर किसी को भी नहीं होंगे, आपको उसके लिए ऑथेंटिकेशन की मतलब आपका की पेयर आपको बना होना चाहिए। की पेयर क्या होता है कि उधर की की इधर की मतलब मैच करेगी, पेयर बनेगा तो आपकी चीज़ कनेक्शन बनेगा, तो आपको व्यू होगा, इसलिए कि वो पासवर्ड गेट करने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो जैसे कि अब मैं मेरे पास क्रिएट नहीं हुई तो मैं एक की बनाऊंगा, एग्जिस्टिंग कोई भी नहीं है मेरे पास तो मैं ऑप्शन क्या करूँगा, क्रिएट अन्यू, विदाउट की भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि हर एक एक्सेस करने के लिए कि आपको आगे की काम आती है तो आप क्रिएट अन्यू की पेयर बना लो, इसका नाम कर लो विज्मो डैश की। सही है, इसको डाउनलोड कर लें, इसको सेव करा लें। अच्छा, ये जो है क्रेडेंशियल बहुत आपने सेफ जगह पे रखने हैं, शेयर ड्राइव पे रखना है या जहाँ भी आपको जो सिक्योर चीज लग रही है वहां पे रखना है। सही है, ये आपने सिक्योर कर लिया और इसको लॉन्च कर लिया। अब देखें सर्वर लॉन्च हो रहा है, आपने सर्वर देखना है, ये इंस्टेंस एक इसकी आईडी होगी, इंस्टेंस मतलब इसकी एक एड्रेस दे दिया अमेजोन के लिए यूनिक के, ये इंस्टेंस सिर्फ इसी चीज़ के लिए है। अब ये पेंडिंग दे देखें, वो चीज़ मैंने जो आपको समझाई थी कि टैग जो मैंने किया था, देखें मैंने अभी तक कुछ नाम नहीं दिया ना, मैंने सिर्फ वही कॉन्फ़िगरेशन की थी, वो जो नेम आ रहा था ना वो चीज़ ये आ रही थी की के अंदर कि भाई अब मैं जो चीज़ उसमें डिफाइन करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने नेम उसको बताया है, तो मैंने जो नेम उसको बताया है इसको उसके अंदर ये चीज आ जाएगी। एक मिनट, आप नीचे नहीं होगा,
अच्छा इसके अंदर एक ऑप्शन ये होता है, अच्छा इधर स्क्रीन को ओपनने के लिए एक के नीचे की स्क्रीन आ रही है बेसिकली, ये यहाँ आ गई। अच्छा एक ऑप्शन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, जो कि अभी मेरे ख्याल से लैपटॉप की वजह से नहीं हो रहा हमारी। सही है, इसको जो है हम देखते हैं, अभी सर्वर को देख लेते हैं पहले। अच्छा रनिंग में आ गया, रनिंग में आ गई। सही है, अब ये आ गया रनिंग के अंदर, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। हमने क्या की इसकी है? जब लॉन्च करते हैं तो वो रुका हुआ होता है कि इंस्टेंस पेंडिंग लिखा हुआ होता है। अभी रनिंग कंडीशन थोड़े टाइम बाद खुद ही रनिंग में आ गया सर्वर। मतलब रनिंग मतलब ये है कि स्टार्ट हो रहा है, पेंडिंग मतलब ये है कि क्रिएट हो रहा है। अब रनिंग मतलब अच्छा इसके हेल्थ चेक इनिशियलाइज भी हो रहा है, जब तक ये स्टेटस चेक ना हो जाए, इसका पूरी चीजें ना हो जाए, आप इसको रिमोट एक्सेस ना करें। मतलब ये सर्वर क्रिएट हो गया है हमारे पास, ये अभी हो रहा है, क्रिएट नहीं हो गया, मतलब ये क्रिएट हो रहा है आपका। जब तक ये जब तक आपका स्टेटस चेक पूरा नहीं हो जाता, तो जब तक आप ये समझ लें क्रिएट नहीं हुआ। वैसे अभी अगर आप रिमोट लेंगे तो ये आ जाएगा रिमोट, आप आरटीपी। हाँ अच्छा, वो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप, अभी एक मिनट जरा होल्ड करते हैं इसको। सही है, अच्छा हम कहाँ थे? हम लोग जो थे वो एज अ सर्वर अभी हमारा इनिशियलाइज कंडीशन के अंदर है। सही है, अब देखें स्टेटस चेक हो गया है, हमने पॉज करके वीडियो जब जब हमने रेडी हुआ तो ये फौरन से स्टेटस चेक दिखा दिया। अच्छा अच्छा, अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या चीज़ है? देख मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी सर्वर क्रिएट होता है तो हमने ऑटो असाइन आईपी लगाई हुई थी डीएससी, तो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक आईपी आ गई होगी। अब हमें पता कैसे चलेगा? एक तो ये कि बाहर आप ये आगे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे, जैसे ही आप ये सारी चीज़ें आएंगी तो ये आपका अवेलेबिलिटी जोन दे दिया इसने, इसलिए आपने ऑटो असाइन बनाया था, सारी चीज़ें ऑटो रखी थी, तो ये आपका अवेलेबिलिटी जोन है, ये आपका रीजन है। सही है, तो और ये आपकी पब्लिक आईपी है। सही है, और जो है ये बाकी जो ऑप्शन है, ये आपको सिक्योरिटी ग्रुप बता रहा है, ये की नेम बता रहा है, कब लॉन्च हुआ है, ये सारी डिस्क्रिप्शन बता रहा है। अच्छा ये चीज़ ये है कि अच्छा इसके अंदर ये स्क्रीन का ऑप्शन इस वजह से नहीं हो रहा कि आप पहले इसको सिलेक्ट, इसलिए अभी है हमारा फ्रेश अकाउंट है, फ्रेश अकाउंट की वजह से ये आपका इधर ही रहेगा, जैसे ही मैं दूसरा क्रिएट करता रहूँगा तो ये नीचे स्क्रीन होती रहेगी, मतलब ये मैक्सिमम नीचे ही है। इस स्क्रीन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आपके सारी चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे दूसरा सर्वर बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बाहर नीचे हो जाएगा। सही है, तो अभी सिलेक्ट करना ज़रूरी है इसको, जब ये आप हटा देंगे तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट इसको नहीं करना है, इसमें ओवरऑल सेलेक्ट हो जाएगा, तो आपने सिर्फ स्पेसिफिक, अभी हमारे पास एक ही तो मैंने नेम पे सेलेक्ट किया, लेकिन वरना जो आप रूटीन बनाएंगे वो आप जिस सर्वर को सेलेक्ट करना है वो सर्वर को सेलेक्ट किया और ये आपके पास सारी डिटेल आ गई। डिटेल्स क्या है, डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसकी पब्लिक आई पी आ रही है। सही है, ये रनिंग स्टेट आ रहा है, कौन सा टाइप बनाया है, टी टू माइक्रो बताया है। सही है, वीपीसी कौन सा है, डिफ़ॉल्ट हमने जाने दिया था, सबनेट कौन सा है, ये भी डिफ़ॉल्ट जाने दिया था, विंडोज़ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म बता रहा है, एएमआई का कौन सा सेलेक्ट किया है वो बता रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके डिटेल इसके अंदर बता रहा है, डिटेलिंग के अंदर, डिटेल्स के अंदर। अच्छा अब इसके अंदर दूसरा टाइप ये है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का आपने, सही है, ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप बता रहा है, विज़मो डैश सिक्योरिटी डैश रूल जो हमने क्रिएट किया था उस टाइम पे लॉन्च करते वक्त। सही है, तो अब इसके अंदर चेंजेस करनी है तो हम इसको राइट क्लिक करके इसको कहीं किसी जगह पे ओपन कर लेते हैं या इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक इसमें बहुत ऑप्शन उन्होंने अच्छा दिया हुआ है कि राइट क्लिक करके दूसरे टैब में ओपन कर लें, इसलिए जब आप दूसरे टैब पे ओपन नहीं किया, मैंने क्लिक कर दिया तो ये सर्विस तो यहाँ खुल गई, लेकिन अब बैक करेंगे अब जैसे कि विल फर्ज करें मैंने इस रूल के अंदर एडिटिंग करनी है। सही है, तो ये रूल आपका खुल गया यहाँ पे, आपने जो चीज़ ऐड करानी है बाद में इंस्टेंस बनाने के बाद भी आप चीज़ें ऐड करा सकते हैं, लेकिन हम इस पे वापस आ जाते हैं EC2 पे। सही है, रिकॉर्ड करके इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है, ये इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो गया।
सही है, ये इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो गया है। अच्छा सीन क्या है कि अब मैं इसको कैसे कनेक्ट कर, मतलब अभी हमने RDP मैंने इसको अलाउ करा है, अब रिमोट इस सर्वर तक हम कैसे जाएंगे ये हमने ज़रा देखना है। सही है, अब आपकी अच्छा ये पहले हम टैब देख लें एक नज़र, सिक्योरिटी ग्रुप उसके अंदर वही है, सिक्योरिटी रूल आ रहा है कि कौन सा सिक्योरिटी रूल लगा हुआ है, नेटवर्किंग के अंदर वही बता रहा होगा मेंशन कि भाई आपकी पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट, अच्छा इसमें प्राइवेट आईपी भी होती है पब्लिक आईपी भी होती है। सही है, इसलिए कि अमेजोन जो कॉन्फ़िगरेशन करता है वो अपने हमने जो कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर करनी होती है, अगर आईपी के रिलेटेड करना है IS कॉन्फ़िगर करना है तो वो इसकी लोकल आईपी पे होगा, प्राइवेट आईपी पे। सही है, नेटवर्किंग के अंदर VPC के अंदर आपको बता रहा है कि अवेलेबिलिटी जोन कौन सा डेटा सेंटर वगैरह है, नेटवर्क इंटरफेस कौन सा लगा हुआ है, ये इसका नाम आ रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है। इसलिए कि अभी मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस भी एक सिस्टम सर्वर में होते हैं तो वो हम जब सर्वर देखेंगे क्योंकि कैसे नेटवर्क का जब हम पार्ट कवर करेंगे तो उसके अंदर हम मेंशन पढ़ेंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से मल्टीपल इंटरफेस लगते हैं नेटवर्क के और मल्टीपल IPs कैसे लगती हैं और कैसे उसकी हम बाइंडिंग करेंगे कि लोकल और पब्लिक IPs को कैसे बाइंड करेंगे। तो अभी हम इस चीज़ को देख लेते हैं, इसकी डिटेल में आ जाते हैं, वही स्टोरेज है। सही है, इसको भी देख लेते हैं, वो जो ऑप्शन शुरू में आया था कि ABS हमने रूट डिवाइस लिया, EBS वगैरह रूट इन डिवाइसेस को स्टोरेज के बारे में भी हमने पढ़ेंगे कि EBS क्या होता है। सही है, और बाकी स्टेटस चेक जो बिल्कुल ओके दिखा रहा है, कोई इशू होगा तो वो चीज़ बताएगा कि भाई ये इशू है फलाना, जो भी आपको इशू आएगा सर्वर में मैंशन भी होगा कि भाई ये इशू आ रहा है, मॉनिटरिंग आपने ऑन नहीं की हुई, टैग आपको बताया हुआ है। सही है, तो अभी हम बेसिकली इसको देख लेते हैं कि कनेक्ट करना और चेक करना। सही है, ये IP इसकी पब्लिक आ रही है, अच्छा ये रिस्टार्ट होगा तो इसकी IP चेंज हो जाएगी क्योंकि ये DHCP से वो ऑटो पूल से असाइन करता है IP, जैसे ही हम रिस्टार्ट करेंगे तो इसकी IP चेंज हो जाएगी पब्लिक। तो आप जो है अभी हमने टेस्टिंग पर्पज के लिए हमारा कोई वेब सर्वर नहीं है, अकाउंट से IP देखने पड़ेगा हमें अभी, बिल्कुल ये अकाउंट में जाके हमें IP कनेक्ट करनी होगी, लेकिन एज अ वेब सर्वर जब आप वेब एडमिनिस्ट्रेटर होते हो तो आपको स्टैटिक IP रखनी पड़ती है क्योंकि आप DNS पॉइंट कराते हो, कोई भी इधर होस्टिंग करते हो और आपने होस्टिंग करनी है उसके अंदर डेडिकेटेड IP चाहिए तो आपको इलास्टिक IP उसको बाइंड करानी पड़ेगी। हम आगे इस चीज़ के अंदर पढ़ेंगे कि IP इलास्टिक IPs कहाँ होगी, कैसे क्रिएट होगी, जैसे बिल फर्स करें इलास्टिक IP का एक ऑप्शन है। सही, अभी हम इसको चेक कैसे करेंगे, अब देखें मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब ये सर्वर दूसरा जो मैंने IP अलाउ कराई है वो वाला नहीं है, अब मैंने इसको CMD खोल लें, आपने सबसे पहले तो टेलनेट करना है, टेलनेट करने के बाद आपने ये IP टेलनेट की, अच्छा पोर्ट आपने डिफाइन कर दिया, एक IP बता दी, यानी सर्वर को कनेक्ट करना है, किस पोर्ट पे चेक करना है, क्या चीज़ चेक करनी है सर्विस, आपको ये पोर्ट बताएगा 3389। सही है, ये मैंने पोर्ट उसको कनेक्ट किया तो ये कनेक्ट नहीं कर रहा, तो जब मैं RDP लूँगा ना तो जब इसका RDP भी नहीं आएगा। सिर्फ बेसिकली मैंने आपको बताया कनेक्शन पर काम करता है, तो कनेक्शन जब आपने इसका ओपन ही नहीं किया तो ये रिमोट भी नहीं आएगा। अच्छा दूसरी तरफ अब हम यही चीज़ जो है आपको इसमें करते हैं, टेलनेट शायद पता नहीं इस लैपटॉप में खुला हुआ है नहीं खुला हुआ, 3389। इसमें टेलनेट ओपन नहीं है, खैर है वो हम अभी कर लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है मैं आपको दिखा दूं कि अगर अलाउ होगा, यानी वो टेलनेट में आएगा ना सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आती है, वो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे किस तरीके से पोर्ट को चेक करते हैं। सही है, अब इसको हमने इसको रिमोट किया, ये देखें ऑप्शन खुल गया, अब ऑप्शन खुल गया, वहाँ पर हमने जब किया था तो ऑप्शन नहीं आया था और कनेक्शन में क्या दिया, इसने एरर दिया क्योंकि टेलनेट नहीं हो रही थी, कुड नॉट ओपन द कनेक्शन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने लिखा है कि कनेक्शन टू द होस्ट, होस्ट क्या है, ये IP है, ऑन पोर्ट 3 है, कनेक्शन फेल्ड। सही है, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे हमने किया तो वो ओपन हो गया, अच्छा ओपन में क्रेडेंशियल क्या डालेंगे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, तो अब आप क्रेडेंशियल कैसे निकालेंगे इसके। सही है, अब सिक्योरिटी इसके अंदर आपने किया राइट क्लिक करने के बाद आपको सेम लॉन्च इंस्टेंस करना है, मतलब ये ऑप्शन के बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, रिबूट करना है, टर्मिनेट करना है, इंस्टेंस सेटिंग्स में मतलब कोई ऑटो स्केलिंग पे लगाना है, टर्मिनेट करना है, प्रोटेक्शन टर्मिनेट करनी है, कोई सर्वर टर्मिनेट करे तो टर्मिनेट ना हो, तो मतलब अभी हमने जो ऑप्शन करना है गेट पासवर्ड करना है, अभी सिर्फ इस ऑप्शन पे रहते हैं, सिक्योरिटी पे गए गेट विंडोज़ पासवर्ड, जैसे ही गेट विंडोज़ पासवर्ड करेंगे तो इसके अंदर एक पूछ रहा है कि आप की पेयर जो एसोसिएटेड है इसके अंदर विज़मो-की वो आप डिफाइन करें इसके अंदर।
अब इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट या क्रेडेंशियल संभाल के रखने हैं। तो हमने क्या किया, डाउनलोड किया हुआ इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया है डाउनलोड्स के अंदर। सही है, तो अब मैं इसको वहां पे क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ उसके डाउनलोड्स, मेरा जो है वो जी में है, डाउनलोड्स करने के बाद ये की आ गई। सही, ये मैंने कीज इधर सेलेक्ट कर दी है, ये अभी सिलेक्ट आ रहा। सही है, तो ये की जैसी मैंने इसको ब्राउज करके वो उस की जो बनाई थी हमने पेन फाइल, सही है, उसको हम जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन खुल गए कि डिक्रिप्ट पासवर्ड, उससे पहले डिसेबल आ रहा था। जैसे ही मैंने डिक्रिप्ट पासवर्ड पे किया तो क्या बता रहा है कि इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस ये है, असल में ये प्राइवेट बता रहा है तो पब्लिक तो हमें पता है इस चीज़ की। तो ये क्रेडेंशियल आपके इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये हम बाद में सेव कर लेते हैं, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए कनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, इसलिए कि अभी इसको बाय डिफॉल्ट एक यूजर आता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद हम मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं मशीन में जाने के बाद। सही है, अब इसको हमने क्या किया कि आप डॉट बैक स्लैश करेंगे तो इसको जैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक रूटीन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप बना लें कि इसके रूट डिवाइस पे आप डॉट बैक स्लैश कर लिया करें, ताकि आपकी ये कॉपी, मैंने पासवर्ड कॉपी किया हुआ है, आप ये चेक भी कर सकते हैं इधर करके। सही, रिमेंबर करना है रिमेंबर कर लें, लेकिन मैंने नहीं करना तो मैंने इसको ओके कर लिया। देखें, ये आई एस पी था, ये स्टार्टिंग था डी एस जी पी था, लेकिन इसकी आई पी अभी भी इस राउटर की सेम है, तो हमारे पास रिमोट आगे आपको दिखाया, इसका राउटर रिस्टार्ट हुआ, इसकी आई पी चेंज हो गई थी, तो हमने जो आई पी अलाउ कराई हुई थी वो आई पी अलाउ क्या होगा, फिर अलाउ नहीं होगी तो रिमोट नहीं आएगा, जैसे कि उस प्रीवियस मैंने सर्वर पर दिखाया। हमने जो दूसरा वाला पी सी एक्सेस किया हुआ था रिमोट डेस्कटॉप से, वहाँ पर हमारा इंस्टेंस इसीलिए लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि हमने लॉन्च नहीं हुआ, वो कनेक्ट नहीं हुआ, वो कनेक्ट नहीं हुआ, जो आईपी वहां पे अलाउ नहीं हुई, ये वाले पीसी, बिल्कुल ये लैपटॉप की पीसी हमने दी हुई थी, ये वाले लैपटॉप सिक्योरिटी में तो हमने आईपी दी थी जी, ये इस वाले की आईपी, और कैसे पता हमने कौन सी आईपी दी थी, तो आईडीपी पे, हाँ वो कैसे पता आपको, आप इधर जाओगे तो आपको आईपी पता है कि मेरे लैपटॉप की आईपी इंटरनेट जो कनेक्ट हुआ हुआ साइबर इंटरनेट, ये समझ नहीं पा रहा था कि वहां क्यों नहीं हमारा ओपन हुआ, वहाँ पर आरडीपी हमने इस वाले लैपटॉप का दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि उसकी आईपी एक डिफरेंट है, जो मैं पहले से ऑलरेडी ये यूज़ कर रहा हूँ आरडीपी, तो इसकी आरडीपी अगर आपने यूज़ करनी है तो आप इसके अंदर भी अगर आईपी इन्फो डॉट आईओ अगर आप करते हैं, तो इसकी आईपी अगर मैं अलाउ करा दूँ तो ये आईपी बिल्कुल सही, इसको कॉपी कर लिया आपने, कॉपी करने के बाद सही है इसको तो आप क्लोज कर दें, इसलिए आपके पास एक विंडोज पासवर्ड आ चुका है। अच्छा, मैंने इसको कॉपी नहीं किया पासवर्ड को, तो दोबारा हम गेट कर लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि अब वो चीज़ इसके सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ करना है, मतलब वो चीज़ इसके लिए भी अलाउ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, वरना यहाँ से जाना है, यहाँ से चले जाएँ, आपने सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पर क्रिएट हुए हुए हैं, तो आप जो जितने भी जो नाम आ रहा होगा ना वो यहाँ आ रहा होगा। देखें आपने क्या नाम रखा हुआ है, हमारा जो था ये डिफॉल्ट नहीं इस्तेमाल किया हमने, सिक्योरिटी ग्रुप ये इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके अंदर टैग क्या है, आप इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन में किया आप वही सेम कर दें, ताकि आपके लिए इजी रहे बाद में। सही है, तो वहाँ वैसे नाम आ रहा है, लेकिन इजी ये है कि नेम के अंदर भी आप डिफाइन कर दें। अब इसके अंदर आपने एडिट करना है, तो इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप एक्शन के अंदर से भी एडिट कर सकते हैं, या एडिट इनबाउंड रूल्स, एडिट जो भी करना है आपने, आउटबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स में हम जीरो जीरो करते हैं, इसलिए जब असल चीज़ होती है ब्लॉक करना अंदर आने से, जब अंदर आ गया तो वो सारी चीज़ें अलाउ की हुई हमने। सही है, अब इसमें हमने कस्टम के अंदर जाके इसको आरडीपी करना है बिलफर्स को सिस्टम में, तो आपने इधर आरडीपी सेलेक्ट करेंगे तो आरडीपी खुद ब खुद आ जाएगा। आरडीपी आया तो आपने क्या किया, इसकी आईपी दे दी, आईपी मेरे पास वो सेलेक्ट हुआ उसका नाम, इसलिए हमने वो कॉपी करके नाम डाला था, तो आईपी हम जो है इधर से कॉपी कर लेते हैं दोबारा, और यहाँ गए जाने के बाद ये मैंने सेलेक्ट किया, आपको बताया कि सिंगल आईपी करनी है, तो देखें खुद ब खुद आ रहा है 32 ऑप्शन। ये ऑफिस अगर आपने मेंशन करना है आसानी के लिए कि मैंने किस चीज़ की आईपी आ रहा है, कि ये मेरी ऑफिस की अपनी आईपी है, यानी कुछ भी कर लें, इमरान डैश, ये आपकी अपने लिए है कि याद करने के लिए कि मैंने ये ऑफिस की आईपी
अलाउ कराई, सेम रूल्स कराया। अब आप ये देखिएगा जो पहले टैलेंट नहीं हो रहा था इसलिए कि मेरे सिस्टम में जो टैलेंट इंस्टॉल है इस लैपटॉप पे नहीं है, तो मैंने ये किया, ये देखा विद इन द सेकेंड जो है इसने परफॉर्म किया, टैलेंट हो गया यानी पोर्ट से कनेक्टेड हो गया। अब मैं इसको रिमोट लूंगा तो आप देखिएगा वही जो पहले उसके लिए हुआ था वही अब इसके लिए होगा। अच्छा इसको हटा देते हैं, इसकी आईपी क्या थी वो हम गए यहाँ पे बिल्कुल EC2 डैशबोर्ड में इंस्टेंस के टैब पे क्लिक किया, यहाँ से इसकी आईपी कॉपी की, नोटपैड पे आप सेव करते रहें चीज़ें। सही है, तो अब आपने यहाँ पे किया जैसे कि अब क्लास ख़त्म हो गई तो हम बाद में इसको सेव कर लेंगे। अच्छा अप ऑप्शन को लिया, अच्छा इसके अंदर डाल दिया आपने, सही है। मतलब इसको मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम सर्वर पे आ जाते हैं, फोकस कर लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ गया जैसे वही क्रेडेंशियल सेम जैसे हमने डाले हैं गेट करके वो हमने इधर आके कंप्लीट कर लिया। अब ये सर्वर पे आ जाते हैं, ये देखें ये सर्वर आपके पास रेडी है, ये इस फॉर्म के अंदर आ गया। सही है, अब मतलब मेरा एक नया सीपीयू बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसके नेटवर्क कनेक्शन में जाएंगे, विंडोज टाइप का सीपीयू बना। बिल्कुल, अब इसको एक चीज और देख लेते हैं कि नेटवर्क कार्ड में हम गए, नेटवर्क कार्ड में इथरनेट पे गए। अच्छा इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं इसकी डिटेल्स करता हूँ तो इसकी आईपी क्या आ रही है, 172.31.24.22.9। अगर आप सिस्टम के अपने सिस्टम के लैपटॉप किस पे जाएंगे तो वही आईपी आएगी जो आपकी आईपी यहाँ आ रही है, ये इसलिए कि वही आईपी है जो आपको व्यू हो रही है। इधर अमेजोन ने बड़ा सिक्योर चीज़ें की हुई हैं, तो उसने क्या किया हुआ है अपना जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ना वो लोकल आईपी पे की हुई है। लोकल आईपी मार्केट मतलब आपको पता नहीं होगा और मतलब ग्लोबली लोग नहीं जानते इस आईपी को, वो उनका उन्होंने अपना नेटवर्क डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है, तो बड़ा अच्छा सिक्योर है। ये चीज़ भी एक सिक्योरिटी के अंदर आती है पॉइंट ऑफ व्यू में कि आपकी लोकल आईपी अलग है, पब्लिक आईपी अलग है, फिर नेटिंग की हुई आपने कि ये लोकल आईपी इस पब्लिक आईपी के साथ कनेक्ट है और बाहर इंटरनेट पे आ रही है। तो ये चीज़ है, DNS इसका ये आ रहा है इसके डिफ़ॉल्ट है। अगर ये आपने स्टैटिक करनी है तो स्टैटिक करने के लिए आपको, सही है, इसकी लोकल आईपी कैसे पता चलेगी वो भी हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा जब सर्वर क्रिएट होगा। अच्छा वेब सर्वर हम बाद में क्रिएट करेंगे, एज अ वेब सर्वर कैसे विंडोज़ को बनाते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको अवेलेबिलिटी जोन सर्वर कैसे किस टाइप का बनाना है, कितने रैम होंगी इसकी, कहाँ पे बनाना है और कैसे वेब सर्वर बनाना है, कैसे इस इन चीज़ों को और हम एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेंगे और आगे इसको फर्दर सर्वर बनाया है। इसके सॉफ्टवेयर वगैरह हम सब विंडोज की तरह इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, अब जैसे कि बिल फर्ज करें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़ आपके एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। बिल फर्ज करें मैं इसको क्रोम डाउनलोड करना है, क्रोम करना है, फायरफॉक्स करना है, आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं ऑप्शन कर देता हूँ, इसको मैं गूगल कर देता हूँ, इसको ऑप्शन भी डिसेबल कर सकते हैं आप रोल्स में जाके ताकि बार बार आपको ना भेजो। अभी मैं ऐड करा लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। सही है, चलें बार बार करना पड़ेगा तो मुझे फिर जरूरन। ये भी चीज़ आप देख लें कि जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोर पर गए आप लोकल सर्वर कोई भी सर्वर के अंदर आपने इनहैंस सिक्योरिटी आई सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑन हुई भी है तो आप इसको पहले इसको देखें, ये अभी पूरी तरीके से इसको रोल करने दें। अच्छा ये कोई भी चीज़ इसमें अपडेट नहीं है तो आपको ऑप्शन करके आप इधर जाके आप इसको ऑफ कर दें। सर्वर मैनेजर, बिल्कुल मैं आपको दोबारा ऑप्शन दिखा देता हूँ, इसको आप क्लोज करें, इसके बाद आपने इसको खोला सर्वर मैनेजर। सही है, सर्वर मैनेजर खोलेंगे तो एक डैशबोर्ड आ रहा है, लोकल सर्वर आ रहा है, ऑल सर्वर आ रहा है, मतलब आप लोकल सर्वर में जाएं इस पे आपको सर्विसेज पता चलेगी कौन कौन सी इवेंट में मसला आ रहा है, गूगल अपडेट में मसला आ रहा है, जो जो सर्विसेज में आ रहा है वो आ जाए, वेब एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर आपको देखना है चीज़ें कि क्या क्या इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करना है ताकि आपको प्रोलॉन्ग मसला आगे ना आए। मैं यहाँ पे गया हूँ लोकल सर्वर पे, लोकल सर्वर पे जाने के बाद आई इनहैंस सिक्योरिटी
ऑन की जगह मैंने इसको जब क्लिक किया था तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो इसको जो है यस कर देते हैं, हमने यही करना था। तो अच्छा फॉर एग्जांपल तो मतलब ये जो हम सर्वर वरना इसको आईपी ओहियो रीजन की है जो हमने बनाई, हाँ वो अभी चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है। अब कैसे चेक करते हैं ये चीज मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको क्रोम कर लें, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कोई सिक्योरिटी है जो भी आप अपने यूज़ नहीं करना है, कोई ब्राउज़र इंस्टॉल करना है तो किस तरीके से आप करते हैं। गूगल पे का सिंपली आपने वो ऑप्शन खुद देगा, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेते हैं। सही है, तो आप इसकी स्पीड, नेट की स्पीड और इससे इसका आपका लोकल नेटवर्क का फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आपका RDP वगैरह में इशू आ रहा है, वरना अदरवाइज उसमें इंस्टॉलेशन अगर मैं इसको बंद भी कर दूं तो इसके अंदर इंस्टॉलेशन चल रही है इसलिए सर्वर आपका ऑन है। सही है, क्रोम आपके पास इंस्टॉल हो गया। सही है, अच्छा अब वो जो चीज़ आपका क्वेश्चन था उसके अंदर मैं वही चीज़ इधर कर लेता हूँ, ip info.io। अच्छा इसके अंदर आप इसकी लोकल आईपी नहीं आएगी, क्यों? इसकी पब्लिक आईपी आएगी, इसलिए कि थ्रू द इंटरनेट लोग एक दूसरे को पब्लिक आईपी के थ्रू जानते हैं, मतलब वो एज ए NIC होती है ना आपकी। मैं अगर लोकल कुछ भी आपका अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो आईडी बनी हुई हमारी सेंटर की, अगर मैं ट्रेनिंग सेंटर की आपकी वो दे दूं तो आप कहीं मार्केट में आके बताएंगे तो आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पुलिस वाले को आपको दिखाएंगे तो नहीं मानेगा ना। इसी तरीके से इसकी पब्लिक आईपी को हर कोई मतलब रिकॉग्नाइज करता है, लोकल आईपी को नहीं करता। तो अब ये आईपी आपकी वही आ रही है, देखें। अच्छा इसकी कैसे है आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, आप इसके देख लें कि ये आईपी है इसकी, सिटी क्या है, कोलंबस, रीजन ओहियो, कंट्री US, बिल्कुल एज इट इज़ है। सही है, आपको सर्विस प्रोवाइडर अमेजोन, जो डिटेल ये मैंने आपको बताया था जैसे हमारे पास आई है तो डिटेल इस सर्वर का भी आपको चलेगा। अब इस ब्राउज़र पे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इस ब्राउज़र पे आप कोई फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, जो भी चीज़ आप क्रिएट करेंगे वो आपको कहाँ से इंटीग्रेट होगा, वो आपके ओहियो रीजन US। बिल्कुल, आप US के अंदर आप कोई भी फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं, आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप जो है ऑलरेडी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। वो लोग मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं, कोई फ्रीलांसर पे लोगों के अकाउंट बने हुए US के तो लोग फ्रीलांसर यूज़ करते हैं, तो वो इंटीग्रेट जो भी होगा वो आपका US कहलाएगा कि US में आप यूज़र हैं। मतलब इस चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, जहाँ से आपकी रिकगनाइज, जहाँ पर आप जो पर्सन आप वर्क कर रहा होता है वही चीज़ आपको करनी चाहिए, लेकिन लोग मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में इस तरीके से ऑफिस वगैरह में चल रहा है। सही है, तो आप जो है वैसे ही करें, जो प्रोफाइल बनानी है, जो आपको चीज़ मिलनी है, जो आपको काम मिलना है, रिस्क मिलना है, वो आपको जो मिलना है वो मिलेगा। तो आप इस चीज़ पे नहीं जाएं, आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा जहाँ पे आप यहीं पे नॉर्मल पाकिस्तान के अकाउंट बनाएं और यही इस्तेमाल यूज़ करें। सही है, तो इसको हम अब क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मीटिंग में इसको स्टॉप कर देता हूँ, तो और कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कर लें, नहीं है तो फिर मैं स्टॉप करता हूँ। चलें फिर ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप ज्वाइन करेंगे, बाकी जो है फिर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं।